हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉर्च इन्फेक्शन पार्ट थर्ड में साइटोमेगालो वायरस के बारे में। इसके पहले के वीडियो में कंटिन्यूअसली हम पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन के बारे में, और पार्ट सेकेंड में हम पढ़ चुके हैं रूबेला के बारे में, और आज हम पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे साइटोमेगालो वायरस के बारे में। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि साइटोमेगालो वायरस कैसा वायरस होता है, तो ये एक हर्पीज वायरस होता है जो डीएनए के प्रकार का होता है। और ये जो वायरस होता है, ये जब कोई भी फीमेल गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, अगर उस दौरान ये इन्फेक्शन उसको हो गया तो फिर ये माँ के थ्रू बच्चे तक पहुँच जाता है। और 30 से 40% तक चांस होते हैं कि ये बच्चे में विकृतियां उत्पन्न करता है। और इसकी वजह से बच्चे में क्या क्या विकृतियां होती हैं, इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि ये किस तरह से फैलता है, मतलब कि माँ से ये बच्चे तक कैसे पहुंचता है, या फिर कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सा ऐसा रूट है जिसके थ्रू ये फैलता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो फर्स्ट है इसमें बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि जब भी कोई मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है, तो उस दौरान जो ये वायरस है, ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है और दूसरा व्यक्ति हेल्दी है, लेकिन दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उस दौरान संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में आसानी से ये संक्रमण पहुँच जाता है। क्योंकि ये जो साइटोमेगालो वायरस होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है सीमेन में, ब्रेस्ट मिल्क में, सलाइवा में, यूरिन में एंड सर्वाइकल सिक्रेशन में। तो अगर कोई भी मेल फीमेल अनप्रोटेक्टेड तरीके से इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उनमें यह क्या होता है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट की वजह से ये इन्फेक्शन फैल जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये सीमेन में और सर्वाइकल जो सिक्रेशन होता है, इन दोनों में ये वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है बाई ड्रॉपलेट, बाई ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट के थ्रू किस तरह से ये जो वायरस है वो फैलेगा, जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह से जो भी सलाइवा निकलता है, उसमें जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो मौजूद होते हैं। और अगर सामने कोई हेल्दी व्यक्ति खड़ा है, तो वो आसानी से इन्फेक्टेड हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो सलाइवा होती है, उसमें भी साइटोमेगालो वायरस पाया जाता है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो हेल्दी व्यक्ति को आसानी से संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगर किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति का हेल्दी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, तो उस वजह से भी जो साइटोमेगालो वायरस है, वो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है ट्रांस प्लासेंटल, मतलब कि जो प्लासेंटा होती है, जिसको हम आवल कहते हैं, माँ के थ्रू ये प्लासेंटा से बच्चे तक आसानी से पहुंच जाता है। तो अगर कोई माँ गर्भवती है और उसको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर बच्चे में ये आसानी से पहुंच जाता है। तो अगर किसी भी फीमेल को ये इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से उसके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, या फिर उसको कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मॉल फॉर्मेशन की, मॉल फॉर्मेशन या फिर एनामलीज की, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, उस दौरान अगर साइटोमेगालो वायरस हो गया है फीमेल को, तो बच्चे में कौन कौन सी विकृतियां हो सकती हैं। तो फर्स्ट है इसमें LBW, मतलब लो बर्थ वेट, मतलब कि बच्चे का जो सामान्य वजन होना चाहिए जन्म के दौरान, वो नहीं रहता है। सामान्यतः अगर हम देखें कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, तो उसका जो जन्म के समय वेट होगा, वो 2.5 से लेके 3.5 केजी के बीच में रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी माँ साइटोमेगालो वायरस से संक्रमित है, तो ऐसे बच्चे का जो वेट होगा, वो 2.5 केजी से भी कम होगा, वो लो बर्थ वेट होगा। इसके साथ सेकेंड पॉइंट आता है डिफनेस,
में भी जो बच्चा है वो बहरा हो सकता है, उसके अंदर बहरापन के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है IUGR, मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसका मतलब होता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो सामान्यतः जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो वृद्धि और विकास होना चाहिए बच्चे का, वो नहीं हो पाता है। उसका जो वेट होगा वो सामान्य से कम रहेगा, साथ ही उसकी जो साइज होती है वो भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम रहती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है हिपेटोमिगैली। में भी जो बच्चा होगा उसको क्या होगा, हिपेटोमिगैली के लक्षण उसमें दिखाई देंगे। जो उसका लीवर होगा उसमें कुछ इन्फेक्शन भी दिखाई देंगे, साथ ही उसमें इन्फ्लेमेशन भी रहेगा। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है स्प्लीनोमिगैली। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट है कोराइडो रेटिनाइटिस। तो इसमें देखिए दो टर्मिनोलॉजी को ऐड किया गया है, फर्स्ट इसमें कोराइडो और दूसरा है रेटिनाइटिस। तो जो रेटिनाइटिस है इसका मतलब है रेटिना, और कोराइड क्या है, कोराइड एक लाइनिंग होती है, जो रेटिना की लाइनिंग होती है उसी को हम कोराइड कहते हैं। तो अगर बच्चे में क्या है साइटोमिगैलो इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से जो रेटिना की लाइनिंग होती है, कोराइड होता है, उसमें क्या है इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जो उसके देखने की क्षमता है, उसका जो विजन है वो अफेक्टेड हो सकता है। मे भी जो बच्चा है उसमें अंधेपन के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेवंथ पॉइंट है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का क्या मतलब होता है, माइक्रोसिफेली का मतलब होता है कि बच्चे के जो सर का आकार होगा, उसका जो ब्रेन होगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। सामान्य बच्चे की अपेक्षा जो साइटोमिगैलो वायरस से इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं उनके जो हेड का साइज होता है वो छोटा होता है और उनका प्रॉपर विकास भी नहीं हुआ रहता है। तो इन बच्चों को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसिफेली। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या में कमी होने लगती है, प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, अगर किसी भी बच्चे को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो मे भी उस दौरान उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें नाइन्थ पॉइंट है स्टील बर्थ का मतलब होता है, स्टील बर्थ का मतलब होता है मृत बच्चे का जन्म होना। प्रेगनेंसी के 24 वीक के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा मरा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टील बर्थ बोलते हैं। तो अगर किसी भी महिला को साइटोमिगैलो इन्फेक्शन है गर्भावस्था के दौरान तो मे भी जो भी उसका बच्चा होगा उसमें ऐसी विकृतियां देखने को मिल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी विकृतियां देखने को मिले, मे भी इसमें से कुछ विकृतियां उसमें देखने को मिल सकती हैं। मे भी जो उसका बच्चा होगा वो क्या होगा, लो बर्थ वेट हो सकता है, उसका वजन सामान्य से कम हो सकता है, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ हो सकता है, उसमें बहरापन हमको देखने को मिल सकता है, या फिर अंधापन भी देखने को मिल सकता है, या फिर उसमें क्या है स्टील बर्थ, बच्चा जो है वो मृत बच्चा जन्म ले सकता है। तो ऐसे बहुत सी कंडीशन है अगर फीमेल्स को ये इन्फेक्शन होता है तो ये सब उसमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे हम ये जानेंगे कि जो फीमेल है, जो महिला है, उसको ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। इसमें ऐसे ही लक्षण होते हैं जो हमको नॉर्मल से फ्लू में दिखते हैं। जैसे अगर जो फीमेल है उसको मे बी फीवर हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जब शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले शरीर का टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ता है। तो मे बी जो फीमेल है उसको बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकती है, उसकी नाक बह सकती है, खांसी हो सकती है, उसको शरीर में दर्द हो सकता है, जो ज्वाइंट्स है वहां पे उसको पेन फील हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। तो ऐसे बहुत से लक्षण फीमेल्स में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये लक्षण कैसे होते हैं, फ्लू के जैसे ही होते हैं, कोई स्पेशल लक्षण साइटोमिगैलो इन्फेक्शन का नहीं है। लेकिन इसको हम कैसे डायग्नोज करें कि महिला को ये इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई और इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई सीजनल बीमारी उसको हुई है, तो इसके लिए हम उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हम आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत हुई है। तो अगर हम फीमेल का ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उस दौरान हम कैसे जानेंगे कि उसको यही इन्फेक्शन हुआ है, अगर ब्लड जाँच के दौरान साइटोमिगैलो स्पेसिफिक IgM पाया जाता है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि जो भी महिला है उसको क्या है, उसको साइटोमिगैलो इन्फेक्शन हुआ है। मतलब कि जो IgM
इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, अगर ये ब्लड में प्रेजेंट है तो फिर हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि उस महिला को साइटोमेगालोवायरस हुआ है। अगर हम बात करें कि इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर किसी को रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए MMR वैक्सीन बनी हुई है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और फिर उसका रूटीन शुरू होता है वैक्सीनेशन का, तो जब बच्चा 15 से 18 महीने का होता है तो उस दौरान उसको MMR की वैक्सीन दी जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से वो डोज मानी छूट गई तो जब बच्चा 11 से 13 साल के बीच का होता है तो उस दौरान उसको वैक्सीन लग जाती है। इन कंडीशन मान लीजिए कि जो बच्ची है वो फीमेल है और उसको ये वैक्सीन लगना छूट गई, तो जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीने पहले रूबेला का इंजेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या हो, रूबेला इंफेक्शन से वो बची रहे। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइटोमेगालो की, तो इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो अगर ये इंफेक्शन होता है तो मे बी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसके थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी प्रेगनेंसी है उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, हमने अभी देखा ही कि जो भी बच्चा होगा उसमें बहुत सारी एनॉर्मलिटी हमको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर साइटोमेगालो वायरस है तो उसमें हमको क्या क्या बच्चे में एनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है और कौन सा हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे और ब्लड टेस्ट में हम कौन सा एंटीबॉडी हमको प्रेजेंट होगा जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो फीमेल उसको साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन ही हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।